हाय एवरीवन, दिस इज अंकुश। वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है फिजिक्स विद अंकुश। आज हम ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द सेकंड सेशन ऑफ दिस चैप्टर। हमने एक लास्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को उठाया था जिसका नाम था व्यू ऑप्टिक्स। ऑलरेडी शायद मैंने आपको ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 सेंड किया है। आई होप सो सबने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा। मैंने आपको बोला भी था अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कभी भी उसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है ना बच्चों। तो आ जाते हैं लेक्चर नंबर 2 पे जिसके बारे में बात करने वाले हैं, स्नेल्स लॉ के बारे में। बिफोर गोइंग टू स्नेल्स लॉ, कुछ बेसिक फंडे में क्लियर करना चाहता हूं जो ऑलरेडी मैंने सेशन नंबर 1 में पढ़ाए थे। आई होप सो सबने देखा होगा, सभी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, पर अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो उसको मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं फ्रीक्वेंसी को बहुत अच्छी तरह से मैच करने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सर ने लास्ट टाइम बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ाए थे जिसे हम क्लासिफिकेशंस ऑफ मीडियम्स कहते हैं, ठीक है। अबे मीडियम के मैंने दो टाइप्स आपको बताए थे बेटा। पहला जो होता है वो होता है रेयर मीडियम, जिसे हम फ्री स्पेस भी कहते हैं, जो किसी के लिए चेंज नहीं होता। और बेटा ये जो लाइट की स्पीड है ना, वो रेयर मीडियम में रिमेंस कॉन्स्टेंट मानी जाती है, क्योंकि वो एंटी सेक्शन होता है। लाइट दौड़ेगी तो आराम से दौड़ेगी, ना कोई आगे इंटरफेस है ना कोई डेंस है मीडियम। जब तक लाइट किसी डेंसर मीडियम में पूरी तरह से एंटर नहीं करेगी तब तक लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी। और जब तक लाइट की स्पीड चेंज नहीं होगी, लाइट का पाथ बेंड नहीं होगा। यह सिंपल फंडा मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर किया था। इज दैट क्लियर? तो मुझे अच्छी तरह से याद है सेशन नंबर 1 में इस चैप्टर में हमने 4 कंडीशंस के बारे में पढ़ा था। थोड़ा ध्यान से सुनना, इस कंडीशन को मैं थोड़ा रिवाइज करता हूं, ठीक है ना। सी यू बेटा। सबसे पहली कंडीशन क्या थी? जैसे ही कंडीशन होते हैं हम स्नेल्स लॉ में एंटर करने वाले, इसलिए पूरा ध्यान स्क्रीन पे और बोर्ड पे रखना है। द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर टू रेयरर, डेंसर टू डेंसर, रेयरर टू डेंसर एंड द डेंसर टू रेयरर, ठीक है। लेट यू स्टार्ट। बच्चों मैंने आपको पहले ही कहा था अगर मीडियम चेंज नहीं होगा तो दिक्कत ही नहीं होगी। बंदा बाइक लेके भाग रहा है, आगे पूरा वैक्यूम है। कॉमन सेंस की बात है, बाइक की स्पीड के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आगे कोई स्पीड ब्रेकर नहीं आता। जैसे आगे स्पीड ब्रेकर आता है तो ऑब्वियसली बाइक की स्पीड कम होगी। तो सेम फंडा यही पे भी अप्लाई होता है। व्हेन द मीडियम इज रिमेंस कांस्टेंट, आपको याद रखना है दोनों जगह पे मीडियम अगर सेम होगा, द स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज रिमेंस कांस्टेंट एंड इट इज एप्रोक्सीमेटली नथिंग बट 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। और बेटे ये जो स्पीड होती है ना लाइट की, ये काउंट की जाती है रेयरर और डेंसर, सॉरी ओनली रेयरर मीडियम में, लाइक एयर और वैक्यूम में। मैंने आपको पहले ही बताया था ये एप्रोक्सीमेटली स्पीड है, न्यूमेरिकल में हमें यही स्पीड पुट करनी है, वो नौ डिजिट वाला नंबर पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम। चलो इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं। सपोज द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर, आप देखिए बेटा लाइट डेंसर मीडियम में जा रही है, तो कॉमन सेंस की बात है डेंसर मीडियम में जाएगी तो ऑब्वियसली लाइट की स्पीड कम होगी ना। मैंने लास्ट टाइम ही क्लियर किया था। तो बेटा यहाँ पे जो लाइट की स्पीड होगी वो कम होगी, कितनी कम होगी, विच इज लेस देन 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। बहुत ही सिंपल लॉजिक है, लाइट डेंसर मीडियम में जाएगी तो स्पीड कम होगी, डेंसर मीडियम से बाहर निकलेगी तो स्पीड बढ़ेगी, पर कब तक बढ़ेगी, यहां तक ही बढ़ेगी। अगर कोई बच्चा या कोई बंदा ऐसे सोच रहे कि नहीं सर लाइट इससे स्पीड आगे बढ़ेगी, भाई ऐसा नहीं होता। आपकी पूरी फैमिली भी रिसर्च करने बैठ गई ना, तो इसके ज्यादा स्पीड आप बढ़ा नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं, बिकॉज इट इज अ नेचुरल फिनोमेनन। और जब हम नेचर से छेड़छाड़ करते तो भाई बहुत सारे चीजों को, दिक्कतों को फेस करना पड़ता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है, ठीक है ना। अब आते हैं डेंसर टू रेयर। देखो बच्चों लाइट कहां से बाहर आ रही है, डेंसर से, तो ऑब्वियसली लाइट की स्पीड बढ़ेगी, दैट मींस द स्पीड ऑफ लाइट गेट इंक्रीज्ड। लाइट की स्पीड इंक्रीज होगी बेटा, पर कब तक, टिल 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, इस बात को मत भूलिए। मैंने कहा लाइट की स्पीड बढ़ेगी पर कब, कब तक, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, उसके आगे लाइट की स्पीड बढ़ना इम्पॉसिबल है। सो चार कंडीशंस, रेयरर टू रेयरर स्पीड इज रिमेंस कांस्टेंट, रेयरर टू सॉरी डेंसर टू डेंसर आल्सो रिमेंस कांस्टेंट, रेयरर टू डेंसर स्पीड घटने वाली है, डेंसर टू रेयरर स्पीड बढ़ने वाली है। कब तक, जब तक लाइट की मैक्सिमम स्पीड पजेस नहीं होती, विच शुड बी 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है ना बच्चों। अब आते थोड़े आगे के टॉपिक पे। अब बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर अगर लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में जाती है तो पाथ चेंज होता है,
तो लाइट बेंड किस तरफ होती है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, डेंसर टू रेरर में आती है तो भी लाइट बेंड होती है, पर किस तरफ, इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में उस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बीट, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे मैं आप सबको स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा दूंगा, मैं इस दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में थोड़ा इलस्ट्रेट करके बताऊंगा कि लाइट बेंड कौन से एक्सिस के तरफ होती है। तो थोड़ा पेशेंस रखिए, अब थोड़ा आगे चलते हैं, बच्चों थोड़ा ध्यान से सुने। वेव ऑप्टिक्स, वेव नेचर ऑफ लाइट, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट के बारे में इंटरेक्शन, इंटरफेरेंस हो, डिफ्रैक्शन हो, कुछ भी हो। वैसे भी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि ये जो वेव ऑप्टिक्स है ना, ये मेरा हाथ है, ऑब्वियसली पांच फिंगर्स है। इस चैप्टर को बनाने के लिए पांच अलग अलग फिनोमेनन को ऑब्जर्व किया गया था। इस पांचों फिनोमेनन को ऑब्जर्व करने के लिए अलग अलग बंदों का बहुत बड़ा रोल है। इसमें इसाक न्यूटन का भी रोल है बच्चों, इसमें मैक्सवेल का भी रोल है बच्चों, इसमें हाइजिंस का भी रोल है, और इसमें स्नेल्स का भी रोल है। कितने साइंटिस्ट मैंने बताया आपको, ऑब्वियसली चार। और अगर सबसे ज्यादा इस टॉपिक में किस बंदे को सक्सेस मिला, तो वो है बेटा हाइजिंस, जिसका नाम है क्रिस्टियानो हाइजिंस। वो डच फिजिसियस था, बहुत ही छोटी कंट्री डच, वहां से वो बिलोंग करता था। बंदे ने बहुत खतरनाक इन्वेंशन किया, और उस इन्वेंशन में बंदे ने पांच चीजों के बारे में बताया, जिस चीजों के ऊपर आपका पूरा चैप्टर डिपेंड है। फिनोमेना नंबर वन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना नंबर टू, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। फिनोमेना नंबर थ्री, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। फिनोमेना नंबर फोर, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और जो पांचवा फिनोमेना है ना, वो है पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके अलावा डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी होता है, पर वो हम सब 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, मैं उसको 12th स्टैंडर्ड में रिवाइज नहीं करने वाला। हाँ, किसी बंदे को पढ़ना है तो भाई 11th स्टैंडर्ड में जाइए, एनसीईआरटी का रेफरेंस बुक ओपन कीजिए, उसमें सारे फिनोमेनन आपको देखने को मिलेंगे। तो बताइए बेटा, सबसे सर ने पहले क्या किया, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के बारे में अगर किसी ने अच्छा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है, तो वो स्नेल्स ने दिया है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है। पहले दो फिनोमेना के बारे में सर बात करने वाले हैं। सो गिव योर मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑन द बोर्ड, ठीक है बच्चों, लेट मी स्टार्ट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस सेम बिट को मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, स्नेल्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप बोलोगे सर कितने लॉज है, हमारे सिलेबस में जितने उतने कॉपी करेंगे। बेटा यहाँ पे सिर्फ तीन लॉज मिलने वाले हैं, और जो बहुत इजी है, जिसको मैं थोड़ा फास्ट कवर करने की कोशिश करूंगा, इसलिए पूरा ध्यान बोर्ड पे रखना बच्चों। लाइट का जो सबसे पहला फिनोमेनन है वो रिफ्लेक्शन। सुबह घर से बाहर निकलना है, बंदा नहा के पूरा तैयार हो गया, पता चला किसी को मिलने बाहर निकल रहा है, ऑब्वियसली आईने के सामने खड़ा रहेगा, थोड़ा मेकअप करने के लिए, पाउडर शाउडर लगाने के लिए, ऑब्वियसली गंगी करने के लिए, थोड़ा लुक्स को गुड लुक्स मैटर करने के लिए। बंदा आईने के सामने खड़ा हुआ तो ऑब्वियसली बंदे को बंदे का ही चेहरा दिखेगा ना, दूसरे को एक्टर का थोड़ा ही चेहरा दिखने वाला है। तो बेटा रिफ्लेक्शन बोला जाता है। रिफ्लेक्शन पाने के लिए एक चीज की, और एक चीज का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चों, उसे हम कहते हैं मिरर। तो यहाँ पे मैं ग्लास का यूज नहीं करने वाला, फॉर एग्जाम्पल पकड़ के चलिए कि ये सर के पास मिरर, ये तो आईपैड है, पकड़ के चलिए कि मिरर है। वैसे भी आईपैड की स्क्रीन लॉक करके अगर देखा जाए तो वैसे ही मुंह हमारा दिखता है, तो थोड़ा तो रिफ्लेक्शन है ना। पहले इसको पढ़ते हैं, उसके बाद इस डायग्राम को मैं थोड़ा बोर्ड पे प्रेजेंट करता हूं, थोड़ा ध्यान से सुना। अगर आप उस तरफ से देखते हो तो मिरर के जो नीचे सिल्वर कोटिंग होती है, जिसमें लाइट कभी भी एंटर नहीं करेगी। मिरर का ऊपर का पोर्शन पूरा प्लेन होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया बच्चों, ये स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तभी अप्लाई होगा जब सरफेस प्लेन होगा। आप बोलोगे नहीं सर, मेरा सरफेस रफ है, तो वहां पे ये लॉ एक्ट नहीं होता, ये सबसे बड़ा फंडा है। ये जो लाइन आपको इस तरफ से दिखे, उसे हम एक्स वाई कहते हैं। एक्स वाई स्टैंड्स फॉर द इंटरफेस, जिस पे लाइट को मैं इंसिडेंट करने वाला हूं। कोई भी पॉइंट लीजिए, सपोज सर ने पॉइंट यहां पे लिया, ये पॉइंट ओ है, जिस पॉइंट पे सर लाइट को इंसिडेंट करने वाला है, मतलब टारगेटेड पॉइंट है। जैसे मैं आर्मी, कोई सोल्जर किसी बंदे को शूट करना है तो यहाँ पे गोली मारता है ना, यहाँ पे गोली क्यों मारता है, क्योंकि लेजर से पहले उसको चेज करता है। तो ये बन गया इंसिडेंट पॉइंट, वैसे ये बन गया इंसिडेंट पॉइंट। अब इस पॉइंट ओ से सर एक वर्टिकल लाइन पास करेगा, क्योंकि इसको इधर और इधर दो सेक्शंस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये जो वर्टिकल लाइन पॉइंट ओ से ट्रेवल करती है बच्चों, उसे कहा जाता है नॉर्मल एक्सिस। दो वर्ड्स हो गए, इंटरफेस, नॉर्मल एक्सिस, विच आर टोटली परपेंडिकुलर विद ईच अदर। अब आपको क्या करना है बच्चों, लेजर लाइट लेनी है, ऑब्वियसली सबके घर में टॉर्च तो होती है।
सपोज सर ने ये लेजर लाइट यहाँ पे पकड़ा, आप लोगों ने सर मुझे ऊपर पकड़ने, बच्चों ऊपर पकड़ के कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि जैसे लाइट अंदर जाएगी उसी पाथ से बाहर आएगी। एंगल बना नहीं बना, जाने वाला पाथ आने वाला पाथ सेम था, कुछ दिखा नहीं दिखा, रिफ्लेक्शन हुआ कुछ पता नहीं चला। तो आपको क्या करना है, ऐसे लेजर लाइट को पकड़ना है, ऐसे सोर्स को पकड़ना है जो एंगल क्रिएट करेगा। एंगल बनेगा तभी तो रिफ्लेक्शन अच्छे से दिखेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो ये पॉइंट हुआ ना, सर ने लेजर लाइट को ऐसे पकड़ा, जैसे सर ने लेजर लाइट को ऑन किया इसमें से मोनोक्रोमेटिक लाइट निकलेगी, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट यहां से इधर आएगी पॉइंट ओ पे, जैसे इसको टच करते हैं विद इन माइक्रोसेकंड में उसका पाथ चेंज होगा इस तरफ, बिकॉज लाइट नीचे नहीं आ सकती क्योंकि ये मिरर है, पूरा नीचे ब्लैक है सिल्वर कोटिंग का, तो लाइट उसको छेद के आगे तो नहीं जा सकती, लाइट बेटा यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, आने वाली लाइट यहाँ पे और जाने वाली लाइट यहाँ पे, समझ रहे हो। तो ये जो पूरा सेक्शन सर ने अभी आपको एक इमेजिनरी पाथ में बताया, इसे मैं रिफ्लेक्शन का एक छोटा सा फेनोमेनन बोलूंगा। तो चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन बोर्ड पे रखना है, इधर उधर देखना नहीं है, ठीक है बच्चों। ये है हमारे पास एक प्लेन मिरर, मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं बच्चों, ये सिर्फ प्लेन सरफेस पे एक्ट होता है। आप बोलोगे सर रफ सरफेस है, स्नेल्स लॉ वहां पे एक्ट नहीं होगा। बेटा ये जो एक्स वाई है ना, चलो इसके सब एब्रिविएशंस में थोड़ा साइड में लिखता हूं फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन। सबसे पहले सर ने एक्स वाई लिखा, बच्चों एक्स वाई का मतलब क्या होता है, इट स्टैंड्स फॉर द इंटरफेस, इंटरफेस ठीक है। ये जो आपको डॉटेड लाइंस नीचे दिख रही है ना बेटा, इसका मतलब होता है सिल्वर कोटिंग। सिल्वर कोटिंग का मतलब क्या है, लाइट इसको छेद के अंदर नहीं आ सकते, लाइट का पूरा पोर्शन ऊपर रहेगा नीचे नहीं आएगा बेटा। अब ये एक पॉइंट सर ने ओ लिया, बेटा ओ का मतलब क्या होता है, इट इज स्टैंड्स फॉर द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, इसे आप इंसिडेंट पॉइंट भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इस इंसिडेंट पॉइंट से मैं एक वर्टिकल लाइन ट्रेवल कर रहा हूं जो इसके दो सेक्शंस बनाएगी, उसे कहा जाता है कैपिटल एन। अब बोलोगे सर कैपिटल एन का मतलब क्या होता है, बच्चों इस एन का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर नॉर्मल एक्सिस। आपको याद रखना नॉर्मल एक्सिस एंड इंटरफेस आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर, क्योंकि कॉमन सेंस की बात है बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चलो यहां पे सर के पास एक सोर्स है जिसे मैं प्राइमरी सोर्स कहूंगा, जो मोनोक्रोमेटिक लाइट प्रोड्यूस करता है जिसे हम लेजर लाइट कहते हैं। तो बेटा ये जो पकड़ा सर ने एस स्टैंड्स फॉर द प्राइमरी सोर्स। चलो एक काम करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम टॉर्च को ऑन करते हैं। जैसे सर ने टॉर्च को ऑन किया द मोनोक्रोमेटिक लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम सोर्स टू द पॉइंट ओ। बच्चों ये आने वाला पाथ है तो ये बन गया यस ओ। जैसे लाइट इसको टच करके विद इन माइक्रोसेकंड उसका पाथ अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इंड्यूस्ड बाय द मिरर। तो बच्चों यहां पे सर को दो एंगल्स मिलने वाले, ध्यान से सुनना है। कभी भी एंगल ग्राउंड के साथ मेजर नहीं होता, कभी भी एंगल मेजर होता है नॉर्मल एक्सिस के साथ। आई रिपीट, एंगल इंटरफेस के साथ मेजर नहीं किया जाता, नॉर्मल एक्सिस के साथ मेजर किया जाता है। आने वाले का जो एंगल होता है वो आर होता है और जाने वाले का जो एंगल होता है वो आर डैश होता है। अब आप बोलोगे सर आर और आर का मीनिंग क्या, टेंशन मत लीजिए मैं बता दूंगा। आर का मतलब होता है बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंट, आई रिपीट एंगल ऑफ इंसिडेंट, और बेटा आर डैश का मतलब क्या होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और बच्चों अगर आपका ग्लास बहुत ही प्लेन होगा ना, ये दो एंगल सेम होते हैं, यही तो फर्स्ट लॉ है भाई इसका, कहने का इंटेंशन के आने वाला और जाने वाला एंगल बच्चों सेम होगा। चलो ये एस है ये ओ है तो इसको नाम दिया सर ने पी, तो चलो ए एस ओ और ओ पी बन गया ना, तो इसको भी कॉपी कर लेते हैं। एस को एस ओ का मतलब होता है बच्चों इंसिडेंट लाइट, और बेटा ओ पी का मतलब होता है रिफ्रैक्टेड नहीं तो रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड का मतलब क्या है, लाइट वापस जाना क्योंकि मिरर पे। तो ये बन गया पूरा स्ट्रक्चर ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये देखते हैं कि इसमें से हमें सीखने को क्या मिल रहा है, कौन से लॉज यहां से आउटकम्स होने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहला लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स, जब बंदे ने इसको पूरी तरह से ऑब्जर्वेशन किया तो बंदे को एक चीज पता चली कि यार अगर प्लेन सरफेस होगा ना तो दोनों तरफ का एंगल रिमेन सेम होता है। तो सर को सबसे पहले लॉ क्या मिला, बोथ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल्स आर रिमेन सेम। पहला लॉ में ध्यान से सुनिए, पढ़ता हूं, अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी कर सकते हो। द फर्स्ट लॉ ऑफ स्नेल्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज शो दैट इन द केस ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज रिमेन्स सेम।
आई रिपीट इज रिमेन सेम। चलो बच्चों दूसरे ब्लॉक की तरफ आते हैं। अब इस बंदे ने सेकंड लॉ का ऑब्जर्वेशन क्या किया, सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है बच्चों, अगर मैं किसी रिफ्लेक्शन में, देखो बच्चों लाइट इधर से इधर आ गई ना, तो इधर से इधर जाएगी, ऐसी और ऐसी, इधर तो नहीं जाएगी और इधर भी नहीं जाएगी। दैट मींस अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो मुझे सारे लाइट्स एक के नीचे एक दिखते हैं। अगर सारे लाइट्स एक के नीचे एक दिखेंगे तो उसे हम सेम प्लेन बोलते हैं। तो बेटा सेकंड लॉ बनेगा, ऑल द लाइट्स आर लाइज इन सेम प्लेन। चलो मैं इसको थोड़ा रिवाइज करता हूं। सेकंड लॉ अकॉर्डिंग टू स्नेल्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज दैट द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट आर लाइज इन अ सेम प्लेन। ये बन गया बच्चों सेकंड लॉ। अब आते हैं थर्ड लॉ के ऊपर। थर्ड लॉ बहुत इजी है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है। केस है बच्चों, जो आने वाला पाथ है ना वो नॉर्मल एक्सिस के दाहिने तरफ है, और जो जाने वाला पाथ है ना नॉर्मल एक्सिस के राइट साइड के तरफ है, मतलब राइट हैंड के तरफ है। एक चीज पता क्या चल रही है, आने वाली लाइट और जाने वाली लाइट सेम डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस पे नहीं है, बोथ लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस। तो यहां पे मैं लिखना चाहूंगा बोथ लाइट्स आर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ कौन सा एक्सिस बेटा, नॉर्मल एक्सिस। तो तीसरा लॉ क्या बन गया, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स इन द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सुनिए, द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट्स आर बोथ आर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस। तो ये बन गया तीसरा लॉ। तो बच्चों ये हो गए स्नेल्स के मोस्ट वांटेड थ्री लॉज इन द फिनोमेनन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। घबराने की कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से बहुत इजी है। पहला इंसिडेंट मत भूलिए, क्राइटेरिया क्या है, ये लॉ बेटा तभी अप्लाई होता है जब सरफेस प्लेन होता है और वो मिरर होगा। आप बोलोगे नहीं सर मैं यहाँ पे एक ग्लास का टुकड़ा लूंगा, बेटा ग्लास का टुकड़ा होगा तो लाइट इसको छेद के नीचे चली जाएगी, वापस नहीं जाएगी। अगर लाइट इसको छेद के नीचे चली जाती है तो वो सेकंड फिनोमेनन बन जाता है, उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं कहते, ठीक है ना बेटा। तो ये बन गए तीन लॉ। अब आते हैं सेकंड फिनोमेनन के ऊपर जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, थोड़ा ध्यान से सुनना है सबको, ठीक है ना। तीन लॉज हो गए किसके बेटा, रिफ्लेक्शंस के। अब सर तीन लॉज पढ़ाने वाले, सॉरी चार लॉज पढ़ाने वाले रिफ्रैक्शन के। रिफ्रैक्शन में एक लॉ बढ़ गया, कौन सा लॉ बन गया, क्योंकि वहां पे डेंसर मीडियम आ गया। डेंसर मतलब लुक लाइक कांच, लाइक दिस पे, ये भी एक टाइप का डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम आ गया मतलब है कि वर्ड मेरे सामने आएगा जिसको कहा जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको मैं पढ़ाऊंगा तीसरे लेक्चर में, बहुत इंटरेस्टिंग पोर्शन है। अब यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इस लॉ में यूज किया, मैं आपको बताऊंगा। Without wasting time, beat को start करते हैं बेटा। The name of beat is nothing but the refraction of light, whose another name is Snell's law of refraction. घबराने की बात नहीं, बहुत easy है। हाँ और एक बात बताना भूल गया बच्चों, ये पूरा जो chapter है ना, इस word पे depend है। आप reflection को पकड़ के बैठिए मत, reflection को भूल जाइए। भूल जाए मतलब कुछ देर के लिए भूल जाए, जब तक ये चैप्टर पूरी तरह से मैं पॉज नहीं करता। आपका पूरा चैप्टर अगर कौन खा गया तो वो रिफ्रैक्शन है, लाइट छेदेगी भाई, लाइट चीर के आगे जाएगी, जब तक वो चीर के आगे नहीं जाएगी उसे हम रिफ्रैक्शन नहीं कहते। अब इसमें होने वाला क्या, थोड़ा ध्यान से सुना है। चलो फॉर एग्जाम्पल कंसिडर कर लीजिए कि ये ग्लास है, लास्ट टाइम सर इसको मिरर लिया था, अब ये ग्लास है, इट्स अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। बेटा ट्रांसपेरेंट ग्लास की थिकनेस कितनी मैटर नहीं करती, बराबर। ये इंटरफेस हो गया, ये नॉर्मल एक्सिस हो गया, सर ने लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट को ऐसे पकड़ा, इधर से लाइट एंटर करेगी तो इसका आने वाला पाथ ऐसा दिखेगा आपको, तो बेटा जाने वाला पाथ ऐसे नहीं दिखेगा, ये थोड़ा बेंड होगा। आई रिपीट, ये थोड़ा बेंड होगा। क्यों बेंड होता है, इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। लाइट बेंड होती क्यों है, कुछ आपने कभी ऑब्जर्व किया, पकड़ के चलिए कि एक स्विमिंग पूल है और ये बंदा इधर से कूद रहा है, ये देखो ये बंदा है भाई, ये बंदा इधर कूद रहा है, बंदे बहुत जोर से उसने इस पानी में छलांग लगाए। जैसे ही बंदे ने पानी पे छलांग लगे, पकड़ के चलिए कि बंदे की स्पीड है 50 मीटर पर सेकंड, ये ऐसे भाई 45 डिग्री से छलांग लगे जैसे ओलंपिक्स में होता है वैसे। पर यहां पे दिक्कत आ गई बच्चों, जैसे ही इसने छलांग लगाए ना, तो एक्चुअली इस बॉडी का मोशन इस तरफ होना चाहिए, इतना स्ट्रेट पेपर वैसे नहीं होता। जैसे इस बंदे का बॉडी का टचअप इस पानी के सरफेस के साथ होता है, तो बिकॉज ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ डेंसिटी ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ वाटर और बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, उस बंदे के बॉडी की डायरेक्शन चेंज होती है और बंदा इस तरफ आता है। हमने ऑब्जर्वेशन क्या किया, एक्चुअली ओरिजिनल पाथ ये होना चाहिए था, पर ओरिजिनल पाथ ये बन गया, तो बच्चे इन दोनों के बीच में जो एंगल रिड्यूस हुआ, तो उसे फिजिक्स में कहा जाता है डेविएटेड एंगल।
जिसके बारे में मैं बोलने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। इससे पता क्या चला, और एक चीज सर ने ऑब्जर्व किया कि इसमें जब बंदा पानी के बाहर था तो उसकी बॉडी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बेटा नीचे आ रहा था ना ग्रेविटेशनल फोर्स के तरफ। पर जैसे ही बंदे का टचअप हो गया पानी के साथ, तो बच्चों उस बंदे के जैसे ही पानी में एंटर करेगा उस बंदे के बॉडी की स्पीड मैथमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। कंक्लूजन क्या मिला, कंक्लूजन सर को यह मिला कि जैसे ही कोई लाइट डेंसर मीडियम में कूदती है बेटा, सबसे पहली चीज उसकी वेलोसिटी कम होती है, और दूसरी चीज उसका पाथ भी चेंज होता है, मतलब बेटा वहां पे लाइट बेंड होती है। अब बेंड नॉर्मल एक्सिस की तरफ होगी या नॉर्मल एक्सिस के अपोजिट में होगी, ये मैं इस लॉस के बाद आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पकड़ के चले कि इंटरफेस है, ये एक्स एंड वाई। आप बोलोगे सर इंटरफेस किसका है बेटा, ये जस्ट एक ग्लास का है, ठीक है ना, इसको एजेस शो करने की जरूरत नहीं क्योंकि मिरर को भूल जाइए। एक्स वाई का मतलब इंटरफेस होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, मैं अब्रीवेशंस नहीं लिखूंगा, आपको डायरेक्टली बता दूंगा, ये इंटरफेस है। चलो एक यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन सर ने ड्रॉ कर दी, वर्टिकल लाइन स्टैंड्स फॉर, बच्चों आप सबको पता है, इट इज नथिंग बट द नॉर्मल एक्सिस। वर्टिकल लाइन जहां पे इंसिडेंट करती है उसे ओ कहते हैं, ओ स्टैंड्स फॉर द इंसिडेंट पॉइंट। सर के पास एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स है एस, जिसे हम लेजर लाइट भी कह सकते हैं। बेटा सर ने जैसे लेजर लाइट को ऑन किया, लेजर लाइट को ऑन किया, लेजर लाइट प्रोजेक्ट देयर मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑन पॉइंट ओ, तो बेटा एक इंसिडेंट पाथ है। मैंने आपको बोला था ये जो आने वाली लाइट है ये कभी भी नॉर्मल एक्सिस के साथ एंगल बनाती है आया। अब देखिए कोई तो बंदा इधर से ऐसा झांक के देख रहा है कि उसको लाइट कहां पे दिखने वाली है, पकड़ के चला बंदे की आंख यहां पे है, बंदा यहां से देख रहा है, तो बच्चों ये लाइट ऐसे आगे जानी चाहिए थी ना, बंदा यहां से देखेगा तो उसको लाइट यहां पे नहीं दिखेगी, तो बंदा ऊपर जा रहा है नहीं दिख रही, और नीचे जा रहा है नहीं दिख रही, बंदा इधर आएगा, इधर आएगा तो उसको लाइट दिखेगी। इसका मतलब आपके लाइट का पाथ बेंड हुआ, कितने एंगल से बेंड हुआ, इतने एंगल से, तो आपको लाइट परफेक्टली यहां पे दिखेगी। अब लाइट का पाथ बेंड क्यों होगा, बिकॉज बेटा जैसे वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जब तक वो रेयर में तो वेलोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, डेंसर में जाने के बाद वेलोसिटी कम होगी, बॉडी का पाथ भी चेंज होगा। क्यों चेंज होता है मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ये हमारा पहला मीडियम है M1, ये मेरा सेकंड मीडियम है M2। पकड़ के चले M1 इज अ रेयर मीडियम एंड M2 इज डेंसर मीडियम। चलो अब रिफ्रैक्टेड एंगल लेते हैं, ये जो एंगल है बेटा ये इंसिडेंट एंगल है, रिफ्लेक्टेड यहां पे नहीं आएगा, रिफ्रैक्टेड आएगा, तो बेटा इस रिफ्रैक्टेड पाथ का नॉर्मल एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो आर होता है। सीधा सीधा ऑब्जर्वेशन है, डायग्राम को ऑब्जर्व करने के बाद सर को एक बात पता चल रही है कि जितना आर होता है उतना आर नहीं होगा, आर कम हुआ, मतलब इन दिस केस दोनों एंगल आर नॉट सेम, बोथ एंगल्स आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि इस केस में एंगल आर बड़ा है एंगल ऑफ आर से। अब ये डेविएटेड एंगल कितना वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, अभी मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। अब चलते कि लॉज कितने मिलने वाले, थोड़ा ध्यान से सुनना है। अकॉर्डिंग टू स्नेल द फर्स्ट लॉ बहुत इजी है बच्चों, पहला लॉ तो इजी है, रिफ्लेक्शन में सर ने बताया था बोथ एंगल्स आर सेम, पर यहां पे एंगल सेम नहीं है, तो लॉज क्या बनेगा, इन द केस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन अकॉर्डिंग टू स्नेल द एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज नॉट सेम। इसका मतलब एंगल आर कभी भी एंगल आर के साथ मैच नहीं करेगा। चलो सेकंड लॉ की तरफ आते हैं, सेकंड लॉ कॉमन है, जो वहां पे था वही है, ये डेंसर मीडियम है, ये लाइट आई ये लाइट गई पर थोड़ी बेंड हुई, अगर मैं ऊपर से देखूंगा तो सारी लाइट मुझे एक के नीचे एक दिखेगी। आप बोलोगे नहीं सर लाइट ऐसे आएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, वैसा होता नहीं है, दैट मींस ऑल द लाइट्स आर लाइज इन बच्चो सेम प्लेन, वेरी गुड। तीसरे पे आता है बच्चों, एक चीज ऑब्जर्व, ये नॉर्मल एक्सिस है ना बेटा, कितने टुकड़े के डायग्राम के, दो लेफ्ट वाला है राइट वाला, तो बेटा आने वाली लाइट नॉर्मल एक्सिस के लेफ्ट में है, जाने वाली लाइट नॉर्मल एक्सिस के राइट में, इससे एक चीज पता चलती है बोथ लाइट्स आर लाइज इन नॉट सेम डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस, बोथ लाइट्स आर लाइज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस, आई रिपीट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस, ये दो लॉ आई थिंक मेरे लिए कॉमन है। अब आते हैं फोर्थ लॉ पे जो आपके लिए नया है, फोर्थ लॉ इज दैट बेटा ये डेंसर मीडियम है ना, डेंसर मीडियम है मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मतलब लाइट बेंड होगी, लाइट बेंड क्यों होती है क्योंकि बेटा वहां पे स्पीड कम होती है। पर आप रेयरर टू डेंसर में जाइए, डेंसर टू रेयरर में जाइए, स्नेल्स लॉ के अनुसार इस बंदे का कहना ये है व्हेन द लाइट इज टर्निंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू कहा जाता है
वो ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट पाया जाता है। तो ये है मेरा फोर्थ लॉ जो आपके लिए थोड़ा नया है। चलो इस बार अच्छे से इसको रीड करते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल्स इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, पहली स्टेटमेंट लिखना है तो लिख सकते हो, ध्यान से सुनना है। इन द केस ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बोथ इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल आर नॉट इक्वल, पहली स्टेटमेंट। बच्चों दूसरी पे आते हैं, द इंसिडेंट लाइट एंड द रिफ्रैक्टेड लाइट आर लाइज इन सेम प्लेन। तीसरे पे आते हैं, Both incident light and the refracted light are lies in opposite direction of normal axis. चौथे पे आते हैं, In the case of refraction of light, the refractive index of denser medium is always remains constant. Doesn't matter light यहाँ से यहाँ जा रही है, यहाँ से यहाँ जा रही है। यहाँ पे एक सबसे important मैं note आप सबको बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनना है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, इसको थोड़ा अहम भी लिख लेते हैं। अगर कभी लाइट रेयर टू डेंसर जाती है ना बेटा, तो लाइट बेंड होती है, पर बेंड कहां पे होती है याद रखना है, टूवर्ड्स एन एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा? टूवर्ड्स एन एक्सिस। देखिए बेटा यहाँ पे रेयर टू डेंसर बेटा, लाइट ये जो लाइट है ना बेटा, ये इधर बेंड नहीं हुई, लाइट इस तरफ बेंड हुई। सो सर ने लिखा टूवर्ड्स एन एक्सिस, पर अगर लाइट उल्टी जाती है denser to rarer, तो आपके याद रखना है light bend होगी, ऐसा नहीं कि bend नहीं होगी, but light is bend बच्चों कहाँ पे? away from an axis। ये बहुत सारे बंदों को phenomenon पता नहीं होता, नहीं होता तो पता कीजिए क्योंकि बहुत important है। समझ में आ रहा है? I repeat, the monochromatic light is traveling from rarer to denser, it will be bend towards normal axis, ये ऐसा इधर, but whenever it is traveling from denser to rarer, it will be bent away from the normal axis, normal axis के तरफ आएगी। अगर बेटा toward होगा तो angle कम होता है, पर अगर away होगा तो angle बढ़ता है। समझ रहे हो? तो ये हो गया कुछ brief introduction regarding the laws of reflection and the laws of refraction। इसके regarding अगर आपको कोई भी दिक्कत है, confusion आती है, तो आप comment में लिख दीजिए या पर्सनल मुझे मैसेज भी कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 9370988550 पे। और भूलिए मत चैनल को सब्सक्राइब करना, कीप सपोर्टिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो टू द ऑल 12th स्टैंडर्ड कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग नीट एंड जेईई। सो गाइस सी यू सून इन द थर्ड लेक्चर ऑफ वे ऑप्टिक्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। सो बाय, हैव अ गुड डे।